पूरे हिंदुस्तान में नशा मुक्त और स्वच्छता में रोल मॉडल है शासक नामपुरा गांव। सांसद सुनीता दुग्गल विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने उठाया भरपूर लाभ। विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा मंगलवार को शासक नामपुरा गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। उन्होंने शासक नामपुरा गांव की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह गांव पूरे हिंदुस्तान में ऐसा गांव है जो पूर्णतः नशा मुक्त है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस गांव ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, जहां सरपंच सहित पूरा गांव पंचायत को निर्विरोध चुना गया है। यह गांव 100% नशा मुक्त के साथ साथ पूर्ण रूप से स्वच्छता की श्रेणी में भी शुमार है। इससे पहले विकसित संकल्प यात्रा का शाह सतनाम पूरा गांव में पहुंचने पर डेरा सच्चा सौदा के चेयरमैन डॉक्टर पी आर नैन इंसा, सीनियर वाइस चेयरमैन चरणजीत इंसा, सरपंच चरणजीत सिंह इंसा सहित ग्राम पंचायत के सदस्यों ने स्वागत किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने यात्रा के दौरान ग्रामीणों को अपने संबोधन के दौरान इस गांव को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि यहां गुरु महाराज जी की अच्छी शिक्षाएं मिलती है, उनका यहाँ से प्रचार प्रसार होता है। इन शिक्षाओं का दुनिया में प्रचार प्रसार तभी हो सकता है जब ऐसे कोई मॉडल गांव विकसित होंगे। यहाँ के लोग खुद को शतनाम पूरा तक सीमित ना रखें, अपितु नशा मुक्ति का यह प्रयास आसपास के गांवों में भी चलाएं और वहां के युवाओं को नशे से बचाएं। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आप दूसरों को अच्छी सीख तभी दे सकते हैं जब खुद उसका पालना करते हो। इस गांव ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं और सरकारें जब मिलकर काम करती हैं, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और एक दिन विश्व गुरु कहलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। मोदी जी सबका साथ, सबका और सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर चल रहे हैं। मोदी जी ने देश में महिलाओं को शौचालय बनाकर दिए। आज पूरे हिंदुस्तान में उज्ज्वलता योजना के तहत महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आम जन तक सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहने पाए और उसे मौके पर ही लाभ प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल ने हर घर जल योजना के तहत ग्राम पंचायत को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं गांव के होनहार खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, उसी के संदर्भ में जो हमारे जिले के अंदर यात्रा चल रही है, तो सुबह जो है वो जमाल गांव में यात्रा थी, तो उसमें शिरकत की मैंने। सभी आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुना और उसका साथ के साथ जो है समाधान किया। और इस यात्रा का जो भी हमारे लाभ उठा रहे हैं वो सभी लाभार्थी तो होते ही हैं वहाँ पर, इसके अलावा जिनको लाभ नहीं मिला है वो भी सब वहाँ पर पहुँच के उसका लाभ उठाते हैं। और उसी कड़ी में आज जो ये शाह सतनामपुरा जो है, यहाँ लंच के बाद का जो है इस गांव के अंदर कार्यक्रम था, जिसके अंदर कि यहाँ पर सभी सरपंच और यहाँ के ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी योजनाओं का लाभ उन्होंने जो है उठाया है और बहुत सी जो समस्याएँ हैं उसके बारे में मुझे अवगत भी कराया है, जिसके बारे में मैंने अधिकारियों को ताकीद की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका समाधान होगा। ये गांव पहले से ही नशा मुक्त है जी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये जो गांव है इसमें जो सरपंच हैं वो सरपंच यहां पर निर्विरोध चुने गए हैं, और इसके साथ साथ जो है पूरा का पूरा गांव जो है वो इस बात के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और इस बात का बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है कि हमारा गाँव जो है वो पूर्ण रूप से 100% नशा मुक्त गाँव होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्वच्छता के रूप में भी अगर आप देखें तो गांव ये सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे पूरे के पूरे सिरसा जिले के लिए। और मैंने यहाँ के ग्रामवासियों से ये निवेदन किया है कि जिस तरह से ये गांव नशा मुक्त है तो वो इसी तरह से कोशिश करें आसपास के भी हमारे सिरसा जिले के जितने भी गाँव हैं, हम सब मिलकर उनको नशा मुक्त करेंगे, ये हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर 10 की 10 सीटें जीती थी और हम फिर से जो है आप लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के बल पर
और साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर विकास किए हैं उनके बलबूते पर हम फिर से आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि इस विकास को ध्यान में रखते हुए जनता जो है वो फिर से जो है, हम दावा नहीं करते हैं बल्कि जनता जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें जो हैं वो लोकसभा की जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम तीसरी बार जो है वो देश का नेतृत्व जो है वो सौंपेंगे। आगे लोकसभा की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए हर किसी को जो भी जिस भी पार्टी में है तो हर किसी का ये अधिकार है, कौन किसको रोक सकता है, जिसको भी घूमना है जिसको भी जनता के बीच में जाना है वो जाना चाहिए, लेकिन समय पर जाना चाहिए। अब जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं 2-3 महीने का समय रह गया सिर्फ, तो अब अगर कोई घूमता है तो जनता इन बातों को सब समझती है कि जनता की समस्याओं को समय समय पर जो है वो किसकी सरकार ने सुना है और किसकी सरकार ने उसका समाधान भी किया है। लोकसभा चुनाव की आपकी क्या तैयारी है? देखिए ऐसा है कि जनता ने जिस तरह का स्नेह और प्यार मुझे दिया है और जिस तरह का मैंने कोशिश की है संसद के अंदर उनकी बात को रखने की, तो अगर तो मेरी कोई पसंद पूछेगा तो बिल्कुल मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहूँगी, लेकिन हम एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के छोटे से सिपाही हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं, जो भी संगठन निर्णय लेगा वो हमारे सर माथे पर होगा। थैंक यू।